नमस्ते बच्चों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छी होगे, है ना? हमारी कक्षा शुरू करने के पहले मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। आज पूरी देश में कोरोना नामक एक वायरस फैला हुआ है। कृपया आप लोग घर बैठे रहे और सुरक्षित रहे। हमारी कक्षा में ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ा था जिनके बिना हिंदी के शब्दों का प्रयोग नहीं होते। आइए जाने हिंदी भाषा में मात्राओं के स्थान। हिंदी में शब्दों और वाक्यों को लिखने के लिए मात्राओं का ज़रूरत होती है, इसलिए हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा है, हिंदी स्वराक्षर और व्यंजनाक्षर। मात्राएं सदा स्वरों की ही होती है क्योंकि स्वर स्वतंत्र होती है। लेकिन व्यंजन कैसे है? देखिए, व्यंजन एक व्यंजन है का वर्ण बताने पर हमें मालूम पड़ता है एक स्वर भी इसके अंदर होते हैं। देखिए का, बताइए का के उच्चारण करते समय इसमें आ स्वर इसके अंदर ही रहती है, लेकिन हम स्वर बताने पर आ आ ई ई उ इस बताने पर कोई अन्य वर्ण नहीं होते हैं, इसलिए हमें मालूम पड़ता है व्यंजन के उच्चारण करते समय इसके अंदर एक स्वर वर्ण भी होते हैं। हम पहले स्वर मात्रा के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि आ वर्ण के लिए कोई मात्रा नहीं है। ध्यान दीजिए, आ के लिए कोई मात्रा नहीं है। तो हम क्या पढ़ा था? आ मात्रा के बारे में पढ़ा था। आ हिंदी स्वरों में दूसरी वर्ण है आ। आ की मात्रा कैसे लिखेगा? देखिए, आ की मात्रा आ, आ की मात्रा एक रेखा है। तो बच्चों, का के का व्यंजन के साथ आ मात्रा लगाकर क्या होता है? का होता है, का वर्ण मिलते हैं। का के साथ आ मात्रा लगाने पर का, और उसके बाद ये देखिए क प्लस आ का, च आ चा, ट आ टा, त आ ता। तो मालूम पड़ा आ मात्रा कैसे लिखेगा? तो हम आ की शब्द पढ़े, आ की मात्रा। ये देखिए हाथ, हाथ, हा के साथ आ मात्रा लगाकर क्या बना? हा, हाथ। और उसके बाद ये देखिए हाथी, हा थी, हा के साथ आ मात्रा। और उसके बाद ये क्या है? तारा, ता आ की मात्रा, र आ की मात्रा, ता रा। कैसे पढ़े? ता रा। और ये क्या है? नाक, ना आ की मात्रा का, नाक।
ये सब हम हमारी कक्षा में पढ़ा था। और उसके बाद हम क्या पढ़ा? ई की मात्रा, ई। ई स्वर वर्ण के भी एक मात्रा होते हैं। ये कैसे लिखेगा? ई मात्रा, ए है ई की मात्रा। का के साथ ई मात्रा लगने पर क्या हो गया? की। का के साथ ई मात्रा लगने पर की। देखिए ई मात्रा कैसे लिखेगा? क ई की, प ई पी, म ई मी। ये छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा। ये देखिए ई की मात्रा, हिरण। हा वर्ण के पहले हम क्या लिखा है? ई मात्रा लिखा है, हिरण। और उसके बाद चिड़िया, चा के पहले ई मात्रा, ड के पहले ई की मात्रा, ये सब मिलकर चिड़िया। और उसके बाद बिल्ली, बिल्ली, बा के पहले ई की मात्रा, ली बिल्ली। और ए क्या है? किसान, का के पहले ई की मात्रा, किसान। और ए क्या है? सिर, सा के पहले ए मात्रा क्या है? ई की मात्रा, सिर। ये सब हम हमारी कक्षा में पढ़ा था। तो आज हम किस मात्रा पढ़ने जा रहे हैं? तो देखो ई की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा हम कैसे पढ़ेंगे? सी देखिए, ई वर्ण का के साथ ई मात्रा लगने पर एक कैसे पढ़ेंगे? की। का के साथ ई मात्रा, देखिए ई, ई की मात्रा कैसे लिखेंगे? स ई, सी। ग ई, गी। प ई, पी। ए है ई की मात्रा, ई की मात्रा। तो देखो दादी, इसमें हमें दो मात्राएं देख सकते हैं। दा के साथ आ मात्रा लगने पर दा, दी। दा के साथ ई मात्रा लगने पर दी, दा दी, दादी माँ। ये क्या है? रानी, इसमें भी रा के साथ आ मात्रा भी है और ना के बाद किस मात्रा? ई की मात्रा, दोनों मिलकर रानी। ये क्या है? मछली, मछली जल की रानी है, आप लोगों को मालूम है। मछली, ला के बाद हम ई मात्रा की प्रयोग किया है, मछली। ये क्या है? खड़ी, ये कैसे लिखा है? खा डा और ई की मात्रा, खड़ी। तो आज हम किसके बारे में पढ़ा है? ई की मात्रा के बारे में पढ़ा है। तो ध्यान रखिए, मात्रा के बिना हमें कोई शब्द नहीं लिख सकते। और हिंदी भाषा में वर्ण और मात्रा को मिलाकर
हम शब्द लिखते हैं। ये शब्द ध्यान से बार बार पढ़िए और ये मात्रा को नहीं भूलना। अब हम आ की मात्रा पढ़ा, ई की मात्रा पढ़ा है और ई की मात्रा पढ़ा है। ध्यान से ये शब्द, ये सब शब्दों की वाचन कीजिए और अगली कक्षा में हम ओ मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।